इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में चार शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सामग्री व अवैध असला बारूद बरामद। इटावा पुलिस द्वारा मुठभेड़ कर चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान थाना बकेवर पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा शराब तस्करों की सूचना मिली। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान ग्राम इकनोरा के बीहड़ में पहुंची तो वहां बीहड़ में टीले पर बनी एक झोपड़ी में कुछ लोग अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे। पुलिस टीम को अपनी ओर आता हुआ देखकर शराब माफियाओं द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया। शराब माफियाओं द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम ने फायरिंग से अपने आप को बचाते हुए घेराबंदी कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने की सामग्री तथा अवैध असला व बारूद बरामद किया तथा मौके से 500 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार अभियुक्त जमीन जिस पर शराब बना रहे थे वह अनिल कुमार उर्फ गोविंद त्रिपाठी पुत्र कृष्ण मुरारी इकनोर थाना बकेबर की है, उन्हीं के लिए अवैध रूप से कच्ची शराब को बनाते हैं। अनिल कुमार उर्फ गोविंद त्रिपाठी अवैध शराब को सप्लाई करते हैं। अनिल कुमार उर्फ गोविंद त्रिपाठी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है। पुलिस द्वारा तस्करों के पास से 3 तमंचा, 2 बंदूक, 1 कारतूस, 1 किलो 680 ग्राम अवैध बारूद, 170 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 50 किलो यूरिया, प्लास्टिक, 10 किलो गुड़ बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान इंस्पेक्टर बकेवर घायल हो गए और उनका एक हाथ टूट गया। थाना बकेवर में इंस्पेक्टर बकेवर और उनकी समस्त टीम अपने पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग इस मामले में कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पहले भी शराब पकड़ी गई थी। तभी इन्हें सूचना मिली कि वहाँ का एक इकनोर गांव पड़ता है, वहाँ के बीहड़ में कुछ इस तरह की गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। इस सूचना पे इंस्पेक्टर बकेवर अपने पूरे फोर्स के साथ वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो बिल्कुल बीहड़ का इलाका था, कुछ झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पे और उन लोगों ने इस तरह का भी इंजाम कर रखा था। दूर से ही पुलिस को देख लें, क्योंकि पुलिस को इस बारे में सटीक सूचना मिली थी। इन्होंने उन्हें घेरा, अपने आप को घिरता देख के जो वहाँ पे अपराधी थे उनके द्वारा पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने क्योंकि पूरी अपनी प्लानिंग कर रखी थी, वहाँ पे अवैध शराब जो बनाई जा रही थी, मौके से करीब 500 लीटर शराब, और इन्होंने अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपने पास हथियार भी रखे हुए थे, भारी मात्रा में 2 डबल बैरल बंदूकें, 1 उसकी नाल, इसके अलावा तमंचे इनके पास भारी मात्रा में मिले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि वहीं पास के गांव का एक अनिल कुमार और गोविंद त्रिपाठी नाम का व्यक्ति है जिसके खेत पर ये रहते थे और उसके द्वारा ये सारा काम कराया जा रहा था पंचायत चुनाव के को देखते हुए। इसकी इनमें से जो लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग पहले से उसके खेत पर रह रहे थे जो इस काम को करते थे, लेकिन पंचायत चुनाव के उसको देखते हुए करीब 5-6 दिन पहले इन लोगों ने और अपने रिश्तेदार बनाए थे और भारी मात्रा में शराब का निर्माण ये कर रहे थे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नील कमल की रिपोर्ट।